कल 16 अप्रैल 2018 के रोज नर्मदा घाटी के ही सरदार सरोवर के नीचे वास के क्षेत्र में भरूच शहर में 5000 से अधिक मछुआरे भाई बहनों ने कई सारे सहयोगियों को साथ लेकर एक भव्य रैली निकाली। जियो और जीने दो, नर्मदा को बहने दो, इस नारे के साथ माँ नर्मदा का रथ और आरती भी साथ साथ लेकर ये महिलाएं और पुरुष सुबह 11 बजे से 3 बजे तक कड़ी धूप में चलकर कलेक्टर कार्यालय पे पहुँचे। आज नर्मदा की ऐसी हालत है कि सरदार सरोवर के नीचे की 100 किलोमीटर तक नर्मदा सूखी पड़ी है और 60 किलोमीटर समुंदर अंदर आया है। ये पूरी स्थिति में मछुआरों की जो 6000 परिवारों की संख्या में है, रोजी रोटी ही चली गई। 4000 मछुआरे जो स्थलांतरित होकर आते हैं उनकी भी रोजी रोटी चली गई है, तो करीबन 10000 परिवारों पर संकट छाया हुआ है। और ये हकीकत सरदार सरोवर संबंधी नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के पुनर्वास उपदल में सालों पहले लिखी हुई थी, लेकिन सरकार का कहना था, जब जब हम मुद्दा उठाते थे, कि इनका असर तो इन पर असर तो 30 साल के बाद आएगा, अभी क्यों बिना कारण सवाल उठाने की जरूरत है। आज उन लोगों को मांग करनी पड़ी है कि सरदार सरोवर के गेट खोलकर पर्याप्त पानी नीचे वास के लिए छोड़ो, जिसे एनवायरमेंटल फ्लोज कहा जाता है, उस पर सोच बड़े बांधों में नहीं के बराबर होती है। सरदार सरोवर का पर्यावरणीय मंजूरी का पत्र देखेंगे तो 8 मुद्दों पर अभ्यास और नियोजन बाकी होने की बात उसमें आई थी, जो 24 जून 1987 का पत्र था, लेकिन इसमें भी नीचे वास पर असर ये मुद्दा छूट गया था। तो पहले से दुर्लक्षित इस मुद्दे को जब नर्मदा बचाओ आंदोलन ने उठाया, पर्यावरण मंत्रालय ने ही नहीं, कोर्ट में भी, तब जाकर एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ वॉलिंगफोर्ड को ये कार्य दिया गया और उन्होंने उस कार्य का निष्कर्ष अभ्यास के बाद ये निकाला था कि 600 क्यूसेक्स पानी बांध से नीचे वास के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब बांध के नीचे वास की दूरी समुंदर के एस्चुरी तक 159-160 किलोमीटर है, तो उसके लिए 600 क्यूसेक्स पानी किस आधार पर तय किया गया? उस समय की संख्या थी 7 लाख पॉपुलेशन, जनसंख्या, लेकिन आज तो वो 81 या 91 के सेंसस के आधार पर ली गई संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज कहते हैं 15 से 20 लाख के बीच में संख्या जाएगी जनसंख्या, और तो और उद्योग लगे हुए हैं, दहेज इंडस्ट्रियल इस्टेट हो कि और दूसरी जहाँ ग्रासिम वगैरह कंपनियां हैं, केमिकल फैक्ट्रीज है, ये तमाम इंडस्ट्रीज के लिए भी पानी की ज़रूरत है। भरूच शहर हो या राजपिपला हो, इनकी जनसंख्या कई गुना से बढ़ी है, तो कैसे 600 क्यूसेक्स का अंदाज आज तक सही माना जा सकता है? लेकिन उसके बाद आप नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के रिपोर्ट्स देखेंगे तो एक एक साल एक पैराग्राफ केवल डाउनस्ट्रीम एनवायरनमेंट के नाम से आया है, जो 2012-13 के रिपोर्ट में है वही बराबर 2016-17 के रिपोर्ट में लिए, और उसका निष्कर्ष यह है कि डाउनस्ट्रीम के लिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाया ही नहीं गया है। तो फिर 2017 के सितंबर में फर्जी लोकार्पण किस प्रकार से हुआ? इन पूरे रिपोर्टों को खुला करना चाहिए, वेबसाइट पर डालना चाहिए और जनता के हाथ में देना चाहिए। आज मच्छीमारों की रोजी रोटी चली गई है, इतना ही नहीं, समुंदर अंदर आने से भूजल, भूपृष्ठ जल सब खारा होकर, खेती खराब होकर, पेड़ जंगल पर असर होकर, उद्योगों को भी बंद रखना पड़ा है बार बार। तो ये हकीकत के खिलाफ सरदार सरोवर के गेट खोलने की मांग लेकर चले हजारों मछुआरे और कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन दे दिया।
दूसरा गहरा संकट है नीचे वास में एश्चुरी के क्षेत्र में, जो भाड़भूत बराज बन रहा है। भाड़भूत बराज कल्पसर प्रोजेक्ट, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना गया है, उसका एक हिस्सा है। अब ये भाड़भूत बराज को पर्यावरणीय मंजूरी तो नहीं मिली है, पर CRZ नोटिफिकेशन 1991 के तहत जो मंजूरी मिली है, वो पूरी मंजूरी भी गैर कानूनी प्रक्रिया से दी गई है। इसीलिए भाड़भूत बराज का भी जो असर होने वाला है, वो फिर नदी को समुन्द्र में जाने से रोकने वाला असर है, और उसका पानी ऊपरी वास में बराज के ऊपर जो भरेगा, वो कुछ किलोमीटर तक भर सकता है, तो भी उससे कभी भी मछुआरों की समस्या छूटने की संभावना नहीं है। बात ये भी आई है कि भाड़भूत बराज से मछली के उत्पादन जनन प्रक्रिया पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, और इसलिए आज तक जो रोजी रोटी चली गई है, उस पर और ही गंभीर संकट छाया जाएगा। मछुआरों ने मांग की है कि जितने सालों से वो ये बेरोजगारी भुगत रहे हैं, उसके पूरे नुकसान की भरपाई भी गुजरात शासन उनको दे दे। सरदार सरोवर के असरग्रस्त हो गए हैं नीचे वास के मछुआरे और तमाम जनसंख्या भी, उन सब लोगों को ये मुद्दा उठाना आज ज़रूरी पड़ा है, और इसीलिए उन्होंने ये रैली निकाली। हम सबका बहुत तहे दिल से और ज़ोर शोर से स्वागत किया। इस रैली में समर्थन में आए थे डैनियल भाई माजगांवकर, बहुत बुजुर्ग संत विनोबा के साथी, और सर्वोदय समाज सर्वोदय मंडल के एक अगुवा आए थे। नीता महादेव, जो लोक समिति की साबरमती आश्रम से चुनी काका की बेटी, और आनंद माजगांवकर और उनके साथी, जो पर्यावरण सुरक्षा समिति के तहत दक्षिण गुजरात के तमाम इंडस्ट्रीज से नर्मदा में हो रहा प्रदूषण जैसे कई मुद्दे उठाकर जीत चुके हैं। भरूच जिले के व्यापारी संगठन, मुस्लिम समाज के संगठन, हिंदू समाज के संगठन, आदिवासी संगठन, दलित संगठन, तमाम अलग अलग संगठनों ने भी खुद होकर इस रैली में सहभाग लिया, साथ दिया, और उससे एक प्रकार से एकता का एक नया मंच खड़ा हुआ। नर्मदा माँ की आरती करने वाले इन लोगों का कहना था कि वो तो हमारी माँ है, केवल देवी नहीं, और हम माँ को वापस मांग रहे हैं, हम केवल कोई लाभ लेने के लिए लालायित नहीं है। तो भाड़भूत से लेकर 40 जगह के मछुआरे भरूच में एकत्रित हुए थे, वेजलपुर के लोग भी हजारों संख्या में थे, और इन सब लोगों ने अब चेतावनी दी है कि कई बार ज्ञापन देने के बाद अब जिलाधीश ऊपर तक बात उठाए। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी को उन्होंने लक्ष्य बनाकर पूछा है कि आपका पानी का 165 बांध जो नर्मदा में बने हैं या बन रहे हैं, उनका नियोजन क्या है, क्या उसमें सरदार सरोवर के नीचे वास के यानी अंतिम क्षेत्र के छोर तक के लोगों का ख्याल रखा है, क्या आजीविका खत्म हो रही है उसकी दखल ली है, जंगल से लेकर मछली तक प्राकृतिक संपदा पर जो गहरा असर आया है और आने वाला है, उसकी दखल ली है। सच्चाई तो ये है कि नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने दखल तो ली ही नहीं है, पर गुजरात और मध्य प्रदेश की राजनीति नर्मदा से खिलवाड़ कर रही है। जब 17 जून 2017 को सरदार सरोवर के गेट्स बंद करने का कार्य मोदी सरकार और गुजरात सरकार ने मिलकर किया, तब एक साजिश रची गई, जबकि बांध पूरा नहीं था। 21,000 किलोमीटर की 41,000 किलोमीटर इतना ही सवाल है, पर माइनर्स का नहरों के पूरे जाल का निर्माण आज तक रुका हुआ है। ये बात गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी ने भी जाहिर की, और अभी अभी गुजरात विधानसभा में भी जवाब में मिनिस्टर ने मंजूर की, तो भी बांध के गेट्स बंद किए गए। 40,000 परिवार आज भी डूब क्षेत्र में रह रहे हैं, भले 32 साल के संघर्ष से 15,000 को जमीन ली और हजारों को घर प्लॉट और पुनर्वास स्थल लिए, लेकिन पुनर्वास अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में हजारों का, तो महाराष्ट्र में सैकड़ों का, और गुजरात में भी मूल गांव में भी टापू बनने वाले फलिया बाकी है, और वसाहतों में कई सारे वयस्क पुत्रों को अभी भी अधिकार नहीं दिया गया है।
जहाँ जमीन खराब है वहां बदलना गुजरात सरकार और शिकायत निवारण प्राधिकरण मंजूर नहीं कर रही, तो कैसे कहेंगे कि बांध का कार्य पूरा हुआ? जो लोकार्पण हुआ 17 सितंबर 2017 को मोदी जी के जन्म दिन पर, वो भी फर्जी लोकार्पण था। और इस लोकार्पण के बाद फिर बांध पूरा हुआ ये मानकर जो दुर्रक्षित हुए हैं हर मुद्दे, उसमें ये नीचे वास का भी मुद्दा है और पुनर्वास और पर्यावरण के भी मुद्दे हैं। आज ये भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश से सरदार सरोवर के जलाशय में, जिसकी कैपेसिटी गुजरात के जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर मात्र 4.7 दशलक्ष एकड़ फीट की है, उसको 9.5 दशलक्ष एकड़ फीट 9.5 मिलियन एकड़ फीट की कैपेसिटी अगर मानकर गुजरात और अंतम में राजस्थान तक पानी का बंटवारा किया है, तो इतना पानी कहाँ से आने वाला है? 4.7 दशलक्ष एकड़ फीट के ऊपर का पानी मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर, महेश्वर और ओंकारेश्वर के जो 3 बांध हैं उनमें से छोड़ना है। लेकिन क्या गुजरात की जनता या देश के लोग भी ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की हकीकत कितनी बदल चुकी है? इस साल तो चुनाव के लिए मध्य प्रदेश ने अपने ऊपर के जलाशय खाली किए, जबकि सरदार सरोवर में जितना भी पानी 17 सितंबर के लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए सचधच करने के लिए भर के रखा, जब हम जल सत्याग्रह में खड़े थे बड़वानी जिले में, तब जाकर ओंकारेश्वर से थोड़ा थोड़ा पानी 17 सितंबर तक छोड़ा गया, उसके बाद तत्काल बंद कर दिया। लेकिन उस पानी को भी गुजरात चुनाव के पहले मोड़ लिया गया। अब गुजरात में तो 481 कंपनियों के साथ अनुबंध किए गए हैं पानी देने के, जिसकी जानकारी सूचना अधिकार के तहत मिली है। कोका कोला फैक्ट्री को 30 लाख से 60 लाख लीटर्स के बीच में कुछ पानी जा रहा है और जाने वाला है हर इंडस्ट्रियल एरिया को। कार फैक्ट्रीज का जो कॉम्प्लेक्स है सांडंग में, उसको तो है ही 60 लाख लीटर रोज का पानी, लेकिन उसके साथ साथ दहेज इंडस्ट्रियल इस्टेट जैसी, धोलेरा प्रोजेक्ट जैसी जितनी भी बड़ी बड़ी अंबानी अडानी की कंपनियां हैं, उनको भी सरदार सरोवर से पानी देने का है। तो ऊपर से पानी छोड़ेंगे तो भी ये लोग कंपनियों की तरफ और बड़े 3 शहर गांधीनगर, अहमदाबाद और बड़ौदा की तरफ पानी मोड़ रहे हैं। इसलिए गुजरात के किसान भी आक्रोशित है। सूखाग्रस्तों को नाम के वास्ते पानी दिया जा रहा है, विस्थापितों की वसाहत में पीने का पानी कई जगह नहीं है, टैंकर्स चल रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश ने अपने जलाशयों को भी इसी प्रकार से शहरों और कंपनियों की तरफ मोड़ा है। ओंकारेश्वर एकमात्र जलाशय से 4 बड़ी नदियों में पानी डालने की पूरी लिंक परियोजनाएं आंकी गई है। एक एक लिंक परियोजना से 5,000 से 15,000 लीटर प्रति सेकंड नर्मदा से पानी उठाने की पूरी योजना है। एक एक लिंक परियोजना की कीमत करोड़ों की है, सैकड़ों या कुछ हजार करोड़ों की। तो नर्मदा क्षिप्रा, नर्मदा गंभीर, नर्मदा कालीसिन, नर्मदा मही, ये 4 परियोजनाएं ओंकारेश्वर जलाशय का जो मूल नियोजन था, बांध के जो मूल लाभ थे, उसमें पूरा बदल कर शहरों और कंपनियों के लिए ये पानी ले जाने वाली है। आज इससे मालवा के 70 शहरों को और 3,000 गांवों को पानी देने की बात करके मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर जगह जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाकर उद्घाटन कर रहे हैं। इंदिरा सागर जलाशय से जहां हरसूद डुबाया गया, 1,23,000 हेक्टर सिंचाई होनी थी या है, लेकिन नहरें जब समय पर जितना पानी खड़ी फसल को चाहिए वो नहीं दे पा रही है, वहां से भी नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना आकी गई है। तो ये पूरी हकीकत बताती है कि मध्य प्रदेश जबकि अपना पानी मोड़ रहा है, ये कहकर और दावे के साथ कि 2024 तक उनको 18.25 दशलक्ष एकड़ फीट पानी का इस्तेमाल करना है। लेकिन पानी के इस्तेमाल के तरीके विकेंद्रित भी हो सकते हैं, केंद्रित बड़े जलाशयों से नहीं हो सकते हैं। और तो और बड़े जलाशय जिस लाभ के दावे के साथ बनाए गए उसमें अगर बदल ला रहे हैं तो इनको फिर से पर्यावरणीय मंजूरी लेने की जरूरत थी। पर आज कहाँ है कानून देश में? आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल खत्म करने जा रही है मोदी सरकार, और नर्मदा इसका पूरा उदाहरण है कि पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्यावरणीय हानिपूर्ति, पर्यावरणीय नुकसान कम से कम करने की
पूरी प्रक्रिया सैंक्शनिंग यानी मंजूरी देने वाली और मॉनिटरिंग यानी निगरानी रखने वाली तमाम अथॉरिटीज यानी प्राधिकरणों के द्वारा नहीं पालन की जा रही है। कोर्ट के फैसलों का पालन नहीं हो रहा है। सरदार सरोवर का 2000 का फैसला कहता है कि पर्यावरणीय कार्य जो भी करने थे वो पूरे होने तक 90 मीटर के आगे बांध को जाना ही नहीं था, लेकिन हर स्टेज पर बांध जाकर आज ये स्थिति खड़ी हुई है कि बांध तो बन गया लेकिन न नहरें बनी है, न पुनर्वास पूरा हुआ है, नहीं नीचे वास की समस्या छूटी है, उल्टा पूरी पर्यावरणीय प्राकृतिक व्यवस्था बर्बादी की तरफ ढकेली जा रही है और नर्मदा ही मौत के कगार पर खड़ी की जा रही है। इससे जे देश की नहीं दुनिया की सबसे पुरानी घाटी संस्कृति प्रकृति पर जो हमला शासन के द्वारा किया जा रहा है वो मानवीय इतिहास को ख़त्म करने वाला हमला है। आज नर्मदा पूरी दुनिया में एकमात्र स्थान है जहाँ अश्मयुग से आज तक के युगों के अवशेष एक जगह मिल रहे हैं। इसलिए रोमिला थपार जैसे पुरातत्व शास्त्रज्ञों का कहना है कि 100 साल लगेंगे इसके उत्खनन के लिए, नहीं तो मानवीय इतिहास खत्म हो जाएगा। आज तीर्थ तो खत्म ही हो रहे हैं, नदी वास नीचे वास में सरदार सरोवर के कबीर वड या चाणोद जैसे तीर्थ जहाँ लाखों और करोड़ों में लोग इकट्ठे होते हैं वो आज भंगार होकर पड़े हैं। लोग जब इकट्ठे भी हुए अमावस्या में चाणोद में तो भी वहाँ पानी नहीं है, तो नदी किनारे जो संस्कृति बची थी वो भी आज विस्थापित हो रही है। ऊपरवास में मध्य प्रदेश में मात्र 38 गांव में 382 मंदिर और कुछ मस्जिदें आज भी जीवित हैं, पर न केवल घाट डूबेंगे, ये मंदिरों को पहाड़ के आधार पर उखाड़ने का काम जैसे 2017 के बारिश के समय हम लोग सत्याग्रह उपवास पर बैठे हुए होते हुए एक दो जगह किया तो आज लोग उसको भी रोक के रखे हैं, इसलिए रुका हुआ है। आज 38 गांव में पेड़ों की और मवेशियों की संख्या 90-90 हज़ार के पास है। ये पूरा विनाश और इतनी पुराने गांव जिसमें 1-1 हज़ार से 2-2 हज़ार 500 से लेकर 3 हज़ार तक के परिवार हैं, उनको विस्थापित करना एक आगे की विनाशकारी प्रक्रिया है। जिस कारण विश्व बैंक ने इस बांध का पैसा रोका था वो कारण आज साबित हो रहा है। इसलिए नर्मदा बचाओ का नारा आज केवल मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में नहीं गुजरात के अंदर आक्रोशित होकर जो किसान मछुआरे मजदूर आदिवासी दलित उठा रहे हैं उसको अब मंजिल तक पहुंचाना ज़रूरी है। इस बात को जाहिर किया है चेतावनी के साथ भरूच में एकत्रित हुए हज़ारों मछुआरे बहन भाइयों ने।